हेलो, माय नेम इज यशार सिंह एंड आई एम सेकेंड ईयर अंडरग्रेड एट IIT गुवाहाटी। जैसा कि एक PCM ऑप्ट करने वाला स्टूडेंट जैसे 10th के बाद PCM लेते हैं, तो उसके दिमाग में एक मेन एम रहता है कि एक मतलब IIT में या फिर किसी भी एक अच्छे कॉलेज में अपना एडमिशन करवाना। तो उसके लिए कुछ राइट एफर्ट्स होते हैं और कुछ राइट डिसीजंस होते हैं। तो राइट एफर्ट्स तो स्टूडेंट देते हैं, लेकिन अंडर एक राइट गाइडेंस देते हैं। तो उसके लिए हमें एक अच्छा डिसीजन लेना होता है। दैट इज द डिसीजन ऑफ टेकिंग कोचिंग। इन माई केस आई हैव चूजन ऑनलाइन क्लासेस, विच आई थॉट दैट इट इज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन विच आई कुड टेक। लाइक वाई ऑनलाइन क्लासेस फॉर फिजिक्स? लाइक वी हैव थ्री सब्जेक्ट्स ना, फर्स्ट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। फॉर फिजिक्स देर इज नवेश सर। आप नवेश सर की ऐसे बात करेंगे तो नवेश सर के नोट्स जो हैं, मतलब जो नोट्स वो क्लास में मतलब जो भी थ्योरी आपको प्रोवाइड करते हैं वो मोर देन सफिशियंट होती है। मैं अपना केस बताऊं तो इन ऑल फोर अटेम्प्ट इन फिजिक्स जो मेरी बेस्ट परसेंटाइल थी वो 99.856 समथिंग लाइक। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि उनके नोट से कोई भी क्वेश्चन बाहर आता है। आप 100 परसेंटाइल भी आराम से ला सकते हैं। आप मतलब अगर आप नोट्स करते हैं नवे सर के और कोई भी एक अच्छी बुक लगाते हैं, नवेसर आपको मतलब हर एक मतलब नवेसर ने लगभग मुझे तो लगता नहीं है कि ऐसे कोई मतलब सर को बहुत एक्सपीरियंस है पहली बात हो, और सर खुद IIT रुड़की से पास आउट हैं। तो मतलब उनके जो एक्सपीरियंस है और उनका जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का वे है, मतलब एक होता है कि कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं कि काइंड ऑफ उस क्वेश्चन को खुद ही मतलब एक बहुत लेंदी वे में कर देते हैं। लाइक नवेसर का केस बताता हूँ कि वो क्वेश्चन को सॉल्व तो कर देते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते थे जैसे हम लोगों के डाउट वगैरह क्लास वगैरह होती थी। तो नवे सर उस क्वेश्चन को एक ऐसे वे में सॉल्व करते थे जिससे कि हम तो रिमेम्बर करते थे, लेकिन आगे के जितने भी उस टाइप के क्वेश्चन थे हम उनको बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते थे। और मतलब नवे सर की बात तो ये होगी, केमिस्ट्री में प्रमोद सर हैं, प्रमोद सर भी IIT रुड़की से पास आउट हैं। और मैं जैसे बताऊँ कि मेरी जो चारों टाइम में बेस्ट परसेंटाइल जो केमिस्ट्री में थी वो थी 99.7 समथिंग। तो मतलब केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में एक बहुत वास्ट डोमेन है। लाइक इतना मतलब आप खुद देखेंगे ना, मतलब तो इतना ज्यादा है पढ़ने के लिए, आप खुद मतलब बहुत बोरिंग हो जाता है केमिस्ट्री पढ़ना। लेकिन जो प्रमोद सर का पढ़ाने का स्टाइल है वो बिल्कुल अलग है। मतलब प्रमोद सर ने स्टार्टिंग से अपनी केमिस्ट्री के आप कहेंगे बिल्कुल अलग दुनिया से बना कर रखी है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो प्रमोद सर उसे 8 पार्टों में ने डिवाइड कर दिया है। बुक में कैसा ही पढ़ाते हैं ठीक है, लेकिन जो प्रमोशन ने उन्हें 8 पार्ट में डिवाइड करा है ना, तो आपको लगेगा कि एक स्टोरी सी चल रही है। और सर हर एक पार्ट को लिंक 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 करते करते आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा देंगे, और आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आपने मतलब कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ मतलब सर की लाइन से ही आता है। सर हमेशा क्लास में एक बात बोलते हैं कि एक लाइन लिखते हैं, और वो लाइन मुझे मतलब JEE एडवांस के पेपर तक भी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो हमेशा ही मतलब क्वेश्चन में ही सर की मेन मेन लाइनें लिख के जाती हैं। तो केमिस्ट्री तो मतलब बहुत सारे बच्चों को अगर ये लगता था पहले कि हमें भी लगता था कि सर कम पढ़ा रहे हैं या फिर मतलब सर ने ये वाली बात नहीं पढ़ाई या वो वाली बात नहीं पढ़ाई, तो ये ठीक है। लेकिन जो सर पढ़ाते हैं अगर हम उतना कर लें ना, उतना कर लें, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी मतलब केमिस्ट्री में कुछ भी छूट सकता है। सर बिल्कुल मेन चीज पढ़ाते हैं जो इम्पोर्टेंट होती है। सर ने मतलब पास्ट ईयर के मैंने देखा है, सर हर एक पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सर ने बिल्कुल ढंग से एनालाइज कर रखा है, सिलेबस को बहुत ढंग से पढ़ रखा है। तो मतलब हम लोग की जब भी लाइक काइंड ऑफ डिस्कशन क्लास चलती थी तो प्रमोद सर मतलब हम कभी भी क्वेश्चन पूछ रहे होते थे तो सर वो कहते थे कि मतलब सर काइंड ऑफ हर एक मतलब क्वेश्चन सर को पता रहता था कि ये मुझे बताना चाहिए बच्चे को या नहीं बताना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात होती है एक टीचर की कि या तो वो बताए, मतलब अगर टीचर से बता देते हैं बच्चों को, सब बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं कि काइंड ऑफ उस सवाल को बता देते हैं, प्रमोद सर भी बताते थे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताते थे कि ये क्वेश्चन से आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लीजिए मतलब कि सिलेबस में अगर नहीं है क्वेश्चन, बहुत सारे मतलब केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है कि मतलब कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठा के दे देते हैं जो ऐसे पैकेजेस वगैरह दूसरी कोचिंग्स के हैं, तो उसमें मतलब कि यूजलेस सिस्टम बहुत सारा रहता है। तो अगर आप मतलब प्रमोद सर के मतलब पूरा फुल्ली बिलीव करके प्रमोद सर की केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी JEE एडवांस तक के किसी भी क्वेश्चन में। मैथ्स मैथ्स बहुत मतलब मैथ्स भी काफ़ी अच्छी है ऑनलाइन की, और मैथ्स मतलब मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, हम लोग भी डिस्कस करते थे। तो उसके मतलब कि जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स आते थे
वो भी मतलब और उनकी जो टेस्ट सीरीज चलती है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो मेरे मानना तो यही है कि ऑर्गन एक अलग एक काफ़ी अच्छा डिसीजन रहेगा कोचिंग को चूज करने में। थैंक यू।